Hey, good evening guys, this is Vesh Kumar, HBS, GSJRF Adda, चैनल के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपको गुड न्यूज़ और आपको पता ही है कि हमको बहुत अच्छी कामयाबी भी हासिल की हमारे देश ने और हमारे सभी साइंटिस्ट, हमारे भारतवासी 142 करोड़ जनसंख्या सभी खुशी से झूम रहे हैं, खुशी का माहौल है। आपको पता है कि चंद्रयान थर्ड हमारा जो मिशन था वो सफल हुआ क्या फ्रेंड्स, और विश्व के चौथा अर्घ्य देश बन चुका है चंद्रयान थर्ड सोचने छोड़ने वाला और दक्षिण ध्रुव पर छोड़ने वाला विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला बना है। तो आप समझते हैं भारत की पोजीशन कहां पर है, तो काफ़ी खुशी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस खुशी के साथ अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्लियर फ्रेंड्स, सहयोग करें आप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये लॉन्च हुआ और यहाँ पर किस तरह से कैसे हमारे साइंटिस्टों ने काफ़ी जोखिम 3 वर्ष तक अपने आप को झोंका और इसके बाद हमें ये कामयाबी मिली, काफ़ी सराहनीय है क्या फ्रेंड्स। तो चंद्रयान थर्ड आप देख सकते हैं जो कि आपका जो लॉन्च हुआ कल 14 जुलाई 2023 को। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सभी की इसी पर निगाहें टिकी ही थी, भारतीय नहीं विश्व के सभी साइंटिस्टों की, सारे देशवासियों की और विदेशी जो भी हमारे और पृथ्वी पर जो भी कहीं भी इसी मादी पर जो निवास करता है मानव, वो सब इसी को देख रहे थे क्योंकि भारत ने ये अपना परचम लहराया। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना रहेगी। तो मिशन चंद्रयान थर्ड, तो UPSC या PSC में और स्टेट लेवल में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, लॉन्च हुआ आपका 14 जुलाई 2023 को ये 2:35 PM पर, रॉकेट LVM-3 M-4 था और इसका जो स्थल था लॉन्च होने का वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एजेंसी इसरो, और पेलोड जो है 3900 किलोग्राम एलिफेंट्स। और यहाँ पर जो चंद्रयान जो उसके थर्ड के उद्देश्य हैं वो क्या काम करेगा जब ये पहुँचेगा चंद्रमा पर, तो इसके 3-4 इसके फैक्ट हैं। तो मिट्टी पत्थर खनिज का अध्ययन करेगा चलिए फ्रेंड्स, और चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित जो आपके जो लैंडिंग करेगा और उसके बाद इसमें रोवर चंद्रमा तक घूम आपका जो प्रदर्शित करेगा जिसकी घूर्ण क्रिया होगी, यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोग के संचालन करेंगे। इसका चंद्रयान थर्ड में लैंडिंग होगा, तो इस तरह से आपको आप दे रखा है थर्टस ऑफ इंजन्स लेजर्स डॉपलर ऑफ द आपका वेसली मीट्स और तकनीकी क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉड्यूल थर्ड हिस्से का है इसकी जगह पर इसका स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा और ये आपका 2448 किलोमीटर जो किलोग्राम वजन का है, और इसमें क्या है जो आपका जो लैंडर होगा यह चांद तक रोवर को ले जाएगा, जो रोवर समेत इसमें 1752 kg के वजन का है। रोवर लैंडर से रोवर जो उसके 6 पहिए होंगे और उसमें लगे हुए हैं रोबोट है जो घूम और इस पर क्या है ये घूम कर जानकारी देगा क्लियर, कैसे काम पर क्या चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ चंद्रयान थर्ड के साथ केवल लैंडर रोवर ही भेज जाएंगे जो लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिण बिंदु पर कराई जाएगी क्लियर फ्रेंड्स। जो यहाँ से क्या है आपका चंद्रयान टू लैंडर होना था क्लियर फ्रेंड्स, और यहाँ लगता है 615 करोड़ रुपये इसमें क्या है लागत लगी हुई है, और 14 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग के बाद यह चंद्रमा थर्ड लैंडर रोवर 45वें जो आपका जो दिन होगा इसके अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे तो इसके दौरान ये 10 चरणों में मिशन को प्राप्त जो करेगा। तो आप देख सकते हैं चंद्रमा जो मिशन है यहाँ पर क्या है चंद्रयान फर्स्ट जो आपका 22/8/2008 को PSLV-XC-11 था, और चंद्रयान टू था आपका 22/7/2019 को जो GSLV जो आपका MX-3 था, और अभी जो लॉन्च हुआ है वो चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M-4 है एलिफेंट्स। तो इसरो के बारे में आप जानते ही हैं,
आपको पता ही है कि 15 अगस्त सन 1969 को जो इसरो की स्थापना हुई और जो विक्रम साराभाई मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु, और इसके SDSC सतीश धवन, अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये इसकी क्या है ब्रीफ में जानकारी थी, और जैसे हमको जानकारी मिलती है तो आपको अपडेट कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स, जो काफ़ी परीक्षा से इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर सजा करें। थैंक यू, बाय बाय।